हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि एमएमपीसी 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो उसकी ई बुक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई बुक में MMPC 02 की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता जाऊँगा कि आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रियोरिटी वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे टॉप में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और धीरे धीरे नीचे इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसको तैयार करने हैं जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ये फर्स्ट प्रियोरिटी वाले क्वेश्चन है जो बिल्कुल टॉप में है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट इज HRM, डिस्क्राइब इवेल्यूएशन, बताना HRM का और उसके कंपोनेंट्स बताने। ये लगभग हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो HRM के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन आप इसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता जाऊँगा वो आपको करना है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो 10-15 साल का पिछला एनालिसिस करके हैं क्योंकि आपका जो कोड है वो चेंज हुए हैं, नया सिलेबस बना है, लेकिन कुछ उसमें से चैप्टर हटाए हैं, कुछ ऐड किए हैं, तो इसलिए आपको नहीं पता चल पाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो चलो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा करना है। मैंने इसमें ये बुक में जो है क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं साथ में, ठीक है। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल के, ठीक है, और कंपेयर करना है टू परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड्स को। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको दूसरे नंबर की प्रियोरिटी पे रखा गया है। तो ये पक्का करना है आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप गूगल से पढ़ के जाओगे उसमें थोड़ा आपको इश्यू आ सकता है, मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन एज पर इग्नू सेलेबस अगर आप करोगे, आपको पूरा सेलेबस नहीं कर पाओगे आप, तो आप बस ये जो क्वेश्चन मैंने इसी बुक में दिए हैं वो करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पक्का आप पास होगे, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसे इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तैयार किया था। तो आप सिर्फ क्या है, फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले कर रहे हैं तो आप इस बुक को 2 दिन के अंदर भी तैयार कर सकते हो और आप अपना एग्जाम आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ जो है फोकस करेगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके मार्क्स उससे क्या है ज़्यादा आएंगे। देखो इसमें दिया है डिस्क्राइब द कंसेप्ट, तीसरे नंबर पे कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस बताने आपको जॉब एनालिसिस के, बहुत इम्पोर्टेंट जॉब एनालिसिस है। एज HRM आपको HRM मैनेजर आपको आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है इसको। तो ये आपको कर लेना है, तीसरे नंबर की प्रियोरिटी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने नीचे शॉर्ट नोट भी दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए थी। तो पहले क्या था इसमें जो क्वेश्चन आते थे पहले, वो चैप्टर इसमें से कुछ हट चुके हैं, वो आपको नहीं करने। जैसे HRD वाले क्वेश्चन आते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले, ठीक है, तो वो नहीं होंगे इस बार। उसके बाद जैसे HR ऑडिट के क्वेश्चन आते थे पहले, वो नहीं आएंगे इस बार क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया है। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक दी हुई है उसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उससे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपको जॉब एनालिसिस वाला हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो करना है वो ये है, काउजीज बताने हैं, इफेक्ट बताने हैं ग्रीवियंस के। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ग्रीवियंस किसी ना किसी को होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके क्या कारण हैं, उसके क्या इफेक्ट हैं और स्टेप हैंडलिंग कैसे करना है उसको, ग्रीवियंस को स्टेप इन ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर चित्र के साथ आपको बताना है, इलस्ट्रेशन के साथ बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले उसमें भी बार बार आता था ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 4th नंबर की प्रियोरिटी पे। इसको आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चंस को करना है, उनके आंसर इसमें नीचे दिया है, आप अपनी हेल्प बुक से भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बस ये है कि उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे है और आंसर आपको क्या लिखना है। जो 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता था ये भी कि ट्रेड यूनियंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी ग्रोथ जो है इंडिया में किस तरीके से हो रही है। तो जैसे ये इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, लेकिन बुक में नहीं है, तो मैंने इसको भी आपको इसमें नीचे दे दिया है। तो आपको कैसे इंडिया में ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ हो रहा है और क्या क्या है उसके बारे में सब इसमें पूरा डिटेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
तो जो छठे नंबर पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो करना है वो ये है, एक्सप्लेन करना है सिलेक्शन का प्रोसेस। प्रोसेस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी को जॉब पे रखते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो उसका प्रोसेस का सिलेक्शन बताओ, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पज, उसकी लिमिटेशन, सिलेक्शन टेस्ट के बारे में लिखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी ये बार बार आता था, इसी तरीके से आपको इसको करना है। तो पूरी बुक को बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चलता हूँ सीधा अभी शॉर्ट नोट पे। अगर आपको ज़्यादा इसमें करना है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड प्रियोरिटी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे फिर उसके, ये सेकंड प्रियोरिटी वाले भी क्वेश्चन आएंगे कुछ। सातवां क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और उसके प्रोसेस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। ये सब जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपको आना चाहिए और उसके जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको आना चाहिए। और भी कई क्वेश्चन है जिसमें कई क्वेश्चन इसके अंदर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करने हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ एक दो, ताकि आप उनको भी कर लें। जैसा कि ये शॉर्ट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम ऐसे आगे आप आगे जाओगे तो जॉब डिजाइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अंदर शॉर्ट नोट में ये भी आ जाता है, जॉब इनलार्जमेंट के बारे में बताइए, जॉब इनरिचमेंट के बारे में बताइए, एज ए एचआर मैनेजर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एमबीओ क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग आप देखोगे कि पीछे भी हर बार आया था ये क्वेश्चन और अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के शॉर्ट नोट आपको नीचे मिल जाएंगे, तो अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, बुक से आप इनको ढूंढ के कर लेना। और भी नीचे जो शॉर्ट नोट हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको शक करता हूँ ख़त्म। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू।